नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भाई आज मैं फिर जैसे मुजफ्फरनगर साइड जाने लग रहा था इस वीक में भी, तो आज फिर सुबह फिर ये फाटक बंद मिल गई बड़ौत में। ये अपना रथ खड़ा है यार, बड़ौत में सुबह फाटक फिर बंद मिल गई। और मैंने उम्मीद थी अगर भैया फाटक बंद मिलेगी, और वो ही काम होया, बिल्कुल मेरे सामने बंद हुई है। अभी सुबह ना दिल्ली वाली पैसेंजर जाती है अपना सहारनपुर से की साइड से शामली और अपना बड़ौद होते हुए दिल्ली निकल जाती है। वो उस ट्रेन का टाइम पैसेंजर आती है अभी इस टाइम पे। हालांकि अब तो ये खर पावर लाइन होगी यहाँ पे, पहले डीजल लाइन वायर थी तो बड़ी स्लो होती थी, डीजल वाली थोड़ी ही ना जैसे चलने थोड़ा उठ पिकअप का थोड़ा कह लो थोड़ा सा डिफरेंस था, उसी में अंतर दिख जाया करता। अब यहाँ खड़े रहो, इधर ही अपना बड़ौद रेलवे स्टेशन है, पता तो मैंने पहले लग गया था। बीच में जो है ना लोग भाग रहे थे बाइक पे स्कूटर पे स्टेशन की तरफ में, तो लग रहा था वहाँ ट्रेन आती मिलेगी जरूर, टाइम होने वाला है। यहाँ पे फ्लाई ओवर काम चल रहा है, ये देखो ये सामने ये पुल का काम चल रहा है, ये देखोगे तो दिखाता हूँ आप लोगों को जूम कर, ये वाला यहाँ पुल बनने लग रहा है अभी। ये सही शॉर्टकट है मुजफ्फरनगर का, ना कोई टोल ना और कुछ, सोनीपत से बिल्कुल फटाफट बढ़िया रोड है एकदम चकाचक। बीच में एक जगह गड्ढा है, बाकी तो हाँ एक ही जगह गड्ढा है, बाकी तो पूरा रोड ओके है जमा। चलो भाई बाकी देखते ट्रेन आने वाली है, ऐसा आभास हो रहा है मेरे को, लगता तो है भाई आभास कई बार गलत नहीं होता। चलो ठीक है फिर आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। यह ट्रेन क्रॉस होनी थी भाई, पीछे जो जाने लग रही ना, यह ट्रेन क्रॉस होनी थी, अब फाटक खुले जाएगी देखिए भाई। चलो अब करते हैं अपना घोड़ा तैयार, ले भाई फाटक पर तो निकलेगा भाग गया था, मतलब कि भाग गया था कि मतलब नॉर्मल है, ठीक है फाटक पर रुकिए थे तो चल रहे हो रास्ते में। आज मौसम बहुत बढ़िया है, बिल्कुल हल्की हल्की एक दो बूंद आ रही है, ठंडी ठंडी बिल्कुल एकदम ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम बढ़िया मजेदार एकदम मस्त मजा जो कहते हैं ना वो वाली चीज आ रही तो दिख रहा है, पूरे बादल बूदल पूरा दिन बारिश, हल्की हल्की बूंद आ जाए वाइपर भी नहीं चला सकते इसमें, मतलब काफी देर रोक के वही वाइपर चलाना पड़ता है इसके लिए। भाई गड्ढे तो भर दिए यहाँ रोड में, गड्ढे थे बहुत ज्यादा पहले तो भर दिए भाई गड्ढे, क्योंकि इस लास्ट वीक आया तब भी बहुत ज्यादा गड्ढे थे, ये गड्ढे थे भाई पूरे मुजफ्फरनगर से लेकर और सोनीपत तक ये वाला गड्ढा था बस। लो भाई मैं मुजफ्फरनगर आया था और यहाँ पर ये देखो पीछे तो आप लोगों ने दिख रहा है आईसर ट्रैक्टर कमानी वाला, पर इसमें भी कुछ खास है, एकदम अलग ट्रैक्टर है ये, तो इसकी वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था यहाँ पर। ये रहा पूरा ट्रैक्टर एकदम, ये 1956 का मॉडल है, कमानी के साथ में भी है, फ्लैट प्लेटफॉर्म है इसका, बहुत कुछ ये ट्रैक्टर एकदम अलग थे डिफरेंट आए थे, तो इस चीज़ की ट्रैक्टर की वीडियो बनाने के लिए आया था मैं यहाँ पर। और ये अपना इनका घर है 1972 का मॉडल, मकान जो मॉडल है उस पर लिखा हुआ ना मकान 1972 लिखा हुआ है, उस टाइम का बना हुआ है ये। ये सामने इनकी बैठक है, ये अपना सारा इन्हीं का है यहाँ पर। तो आज इस ट्रैक्टर की वीडियो बनानी थी टेक्निकल डिटेल्स के साथ में प्रॉपर तरीके से। तो ये उनके भाई जी हैं जो अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, एक मिनट रुक जाइयो जी, ये भी ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊंगा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट, एक बार देख लेते ट्रैक्टर को। ले भाई ये ओनर हैं, अभी फिलहाल तीन भाई हैं यहाँ पर मौजूद, एक वो रहे और इन्होंने 1956 का मॉडल, 19 भाइयों के बीच में ट्रैक्टर आया था। एक बात तो है जी, अच्छा ये तो बाद में आए हो, चार भाई थे जब उस टाइम ट्रैक्टर आया। ठीक है, चारों जा लिए एक रह रहा हूँ जबर, ये देख लो ये होता जज्बा, मतलब बंदे जो इनसे इनके साथ मतलब बाद के पैदा हुए इनके साथ वाला देख ही बंदा बचा ना ट्रैक्टर साथ का, तो एक चाचा ये एक भाई बस। अच्छा दो ही बंदे बचे हैं, लगभग सारे जा चुके हैं, और 100 आदमियों का परिवार था। अच्छा जी पांचवी पीढ़ी में आ गया ना ये ट्रैक्टर, पांचवी पीढ़ी में ट्रैक्टर आ गया, और आज देखोगे ना ट्रैक्टर एकदम शीशे जैसा बिल्कुल एकदम नया चकाचक बढ़िया तैयार कर रखा है, और आज भी काम करते हो ना जिससे खेती कर रहा, और ये नहीं खड़ा कर दिया घर, आज भी काम कर रहा है मतलब कमा के दे रहे आज भी, और सस्ता है रहा। अब जो बड़े ट्रैक्टर जुताई कर ले, अच्छा यो अपना पानी काट, छोटे मोटे काम में लग रहा है, नहीं सही है आज भी देखा हाथ बता रहा है पूरा, जो चारा लाना पशु होगा मुझे फटा कर मकान पे सामान घेर का हो। अरे वाह, तेल तो खाता ही नहीं होगा ना, तेल का खर्चा बहुत कम, नहीं एक फिर घेर का भूल जाओ,
नहीं बेचना तो एक अलग चीज, बेचना तो है ही नहीं, पर बाकी ऐसी चीज मिलती नहीं ना जी। चलो भाई अब अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे, देखो कहाँ जाना है। और यह बैठक भी इससे पुरानी है। अच्छा वो पीछे जो है ये बैठक है जो वो 1932 के करीब की है, 32-33 के करीब की। ये भी देख लो ये दिखाई दे आप लोगों को, ये बेहतर की तो यहाँ देख लो ये 72 की, तो इसी कोने में खड़ा था ट्रैक्टर पहले यहाँ पर। चलो कोई नहीं कोई नहीं, अच्छी बात है जी, ये यहाँ खड़ा रहता था पहले ये ट्रैक्टर। चलो जी थैंक यू जी भाई, अब अपना जोड़ते हैं अपना रथ लेकर निकलते हैं बाकी आज। एक यूपी में है ना, यूपी और पंजाब में बहुत बड़ी समस्या हो जाए यार। अब पीछे तो आए हो ना, मैं खाना खा गया तो उन्होंने भी ऐसे ना भाई खाना खाए बिना हम जाने नहीं जा, कुछ हो जाओ। अच्छा, नहीं आप बिल्कुल सही हो जी, पेट तो मेरा ही है, पेट की तरफ तो देख लो। पहले बहुत मोटा हो रहा और भी मोटा हो जाए इस तरीके से, तब ये प्यार पहले मोटा करने लग रहा जी आप लोगों का। नहीं ये है भाई इनका अपना प्यार, जैसे अपना हरियाणा में भी ऐसी बात नहीं है, मैं जैसे अदर स्टेट की बात कर रहा था मोस्टली जो है, इसलिए बता रहा था भाई। चलो अब चलते हैं आगे। हेलो भाई, यहाँ अभी मुजफ्फरनगर में था मैं सुबह सुबह, और अभी मैं यहाँ पता नहीं है शायद यहाँ पर ये वाला रास्ता ना, जो ये वाला रास्ता रोड की साइड जाता है और ये इधर मुजफ्फरनगर खतौली में भोपा खतौली होता हुआ दिल्ली निकल जाता है, ये इस रोड पर था। और ये देखो ये नहर दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, बहुत भारी नहर है ये, बहुत भारी नहर है जो रुड़की शहर के अंदर से आती है, वो वाली नहर है। इसमें देखो अभी तो फिलहाल तो पानी इसमें, इस नहर के अकॉर्डिंग तो इसमें 50% भी पानी नहीं है, 50 कहाँ 25% पानी है सारा है नहर के अकॉर्डिंग। देखो ना अब तो खाली खाली है, उधर भी देखोगे बहुत तो चौड़ी नहर है यार, काफ़ी चौड़ी नहर है और एकदम अभी सैलाब चलता जब इसके अंदर चलता पानी। ये देखो सामने दिखेगी पूरा दूर तक, ये देखो ये कैसे बादल हैं, ये वैसे ऐसे लग रहे थे पहाड़ हों इस तरीके, मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है इनमें, लोगड़ के जैसे होता ना बड़ा लोगड़ टाइप का सिस्टम जो होगा वो है। काफ़ी पुराना ब्रिज है ये भी, क्योंकि आज़ादी के आसपास में ये नहर बनाई गई थी और इसमें ये दोनों तरफ ये लग रहा है पानी तो अभी चल रहा है इसमें, ऐसी बात नहीं है। डाक वाले पुला ही और हैं, इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होती। तो मैं यहाँ रुका था अभी थोड़ा सा, मतलब यार ब्लॉग बना लेते छोटा सा, आगे चल के इसका वो है मुजफ्फरनगर का बिजली का प्लांट भी लगा हुआ इसी नहर में, यहाँ तक चलना पड़ेगा। अब मैं सिकंदरापुर सिकंदराबाद पता नहीं ऐसा कुछ है फ्लाई ओवर भोपाल से जस्ट आगे निकल गया है, कावड़ मेला 2000 रुपये मेरे दोनों अच्छा। तो ये ही था भाई, अभी जाना मेरे को, मेरी गाड़ी वो वहाँ सामने खड़ी, वो खड़ी वहाँ पर। ये देखो डाट वाले फ्लाई ओवर हैं, पुल हैं ये पहले के इसमें था। ये देखो भाई ये यहाँ पर है ना एक और छोटा सा ये डैम बना रखा है यहाँ छोटा छोटा, उस टाइम का ही है ये छोटी छोटी, ये तो छोटी नहर है यहाँ पर आगे ना ये डिवाइड हो जाती है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई है इसमें, और पेड़ भी उसी के अंदर उगा हुआ है। और अब जो इधर ये ज़मीन है नहर की ज़मीन है ये, और जो मेन ज़मीन जो मेन है ना जो मेन जो बिजली बनाने वाला है वो प्लांट सा है वो यहाँ पर है। इसमें दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा आगे चल के, टेम्पो दिखने लग रहा होगा, नहीं आपको नहीं दिख रहा होगा ये यहाँ पर। चलो पूछते हैं भाई कुछ ना कोई ना कोई तो मशीनरी हम मिल सके, चलो कोई नहीं देखते हैं फिर भी आप लोगों को। वैसे देखिए ये देखो ये काम चल रहा है यहाँ फ्लाई ओवर का, तो इन पर ना इन नहर होगा बड़े फ्लाई ओवर बनाने लग रहे हैं ये बंदे। और ये यहाँ पर छोटा सा डैम है, यहाँ बिजली बनती है इसमें, ये तो छोटा सा है, इधर ये पानी रोक रखा है पूरा और फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इधर ये हमारे डैम वो लगे हुए गेट लगे हुए हैं इसके, बिजली बनाने वाला आ गया है, दिखाता हूँ अभी रोक के दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ साइड में लगा के गाड़ी को तो इसमें दिखाते हैं अब आप लोगों को, यहाँ पर दिखाते हैं सही चीज़ें लगी मेरे को देखने की। यहाँ देखो जंगल एरिया पड़े हैं इसका, गेट लगे हुआ नहर वालों का डिपार्टमेंट का। उतरो चलो अभी दिखाते हैं गेट, ये वैसे निगम कुछ है सिंचाई विभाग वालों का भाई, गेट वगैरह जो भी यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर शायद है ना लोग फिशिंग कर रहे होंगे, मछली पकड़ने वाला जो काम है वो यहाँ चल रहा होगा। ये है वो पुल और इस पर अलग अलग गेट लगा रखे इन्होंने, ये देखो यहाँ पर हाँ वो लग रहे लोग मछली पकड़ने। ये देखो पानी रुका हुआ, ये गेट लगा हुआ है यहाँ पे, इधर भी पानी रुका, ये मोटर लगी हुई है
जो कि मैनुअल भी घुमा गए इनको, वो कर दिए लॉक है इसका, मैनुअल भी घुमा लो, मैनुअल घुमा गए इनको। ये यहाँ पे निशान लग रहे हैं इसके, कितने मीटर पानी छोड़ना है। ये देखो आगे पूरे टुकड़े हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो टुकड़ों में है। और वो बंदे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, नहा रहे हैं अपना। ये अलग अलग गेट है, ये देखो इस तरीके से पानी चला है, इसमें ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पर भी रहे पानी। जैसे हाइट पर उठाया जाए फिर उसके बाद गिराया जाए, लेवल के लिए भी हो जाए बहुत सारी जगह। ये अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ें हैं। ये बंदा देखो फिशिंग कर रहा है, यहाँ पर मछली पकड़ रहा है। कोई ना कोई बंदा जैसे ऐसे देखे रहे, यहाँ लगे रहते हैं बंदे, खड़े रहते हैं। इधर ही अपना अभी नया फ्लाई ओवर बनने लग रहा है इसका, ताकि जो ये फ्लाई ओवर काफ़ी पुराने हैं, हालांकि इनकी कोई म्याद नहीं है, ये डाट वाले होंगे शायद। ये नहीं, यहाँ डाट वाला नहीं है, यहाँ तो सिंपल लेंटर वाले डले हुए हैं। इनको हो गए होंगे कम से कम भी 75 साल हो गए, लगभग 75 साल के करीब हो गए इन पुलों को बने हुए। अब इसके ऊपर नया पुल बनाने लग रहे हैं, इधर पानी काफ़ी रोक रखा है। और जो बिजली का ना, बिजली बनाने वाला जो सिस्टम है वो अगले इससे आगे है। ये आप लोगों को दिखाता हूँ, ये थोड़ा आगे ना, ये टावर का पुल है यहाँ पर, यहाँ पर है, वहाँ पर चल कर दिखाता हूँ। ले भाई मैं अब यहाँ आ रही है, देखो छोटा सा कि बिजली घर है यहाँ पर, ये बिजली घर बना रखा है इन्होंने। ये नहर होगी वही, और ये पानी हो गया इधर। ये सामने बिजली घर है यहाँ पर, इधर ये पानी फिलहाल यहाँ का दुरुक रोक रखा है इन्होंने, क्योंकि आगे खुलेगा तभी तो आगे जाएगा पानी। ये आगे गेट है ना, पूरे गेट बंद कर रखे हैं ये देखो ये गेट हैं सारे, ये बंद कर रखे हैं इन्होंने यहाँ से, ताकि कुछ होगा अपना काम इनका। यहाँ बिजली बनती है भादरापुर को, सुबह कुछ है ना वो पीछे ही है, उसमें तो है वहाँ पर। तो अब भी जैसे वहाँ पर क्रेनें खड़ी हैं, जैसे वो ये चक्की चलती है इनमें, जैसे बिजली बनती है यहाँ पर। ये चीज़ है ना, कभी मौका लगे आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें से ना मोटर हटा रखी है, वैसे बारिश का मौसम नहीं होता ना जब, तो उसमें बिल्कुल नीचे चले जाते हैं एकदम, जहाँ चक्की रखी जा रही थी वो ढांचे बड़े हुए अंदर का लो है जो पहले, वहाँ सारी चीज़ हटा दी उन्होंने फिलहाल, वो चीज़ नहीं थी और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो वो देखेंगे भाई चलकर ने, चलो मेन यही था। अब उस बंदे के पास चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे है यहाँ से, ऐसा होगा 5 किलोमीटर। लो भाई शाम होगी और अब फिर बड़ौद फाटक पे पहुँच जाऊँ। सुबह ही रुका था, अब शाम हो गई, देखो फाटक पे खड़ी है गाड़ियाँ सारी, भाई पर चला जाता हूँ। अब यहाँ बड़ौद फाटक पे खड़े भाई, अब ट्रेन आएगी पता नहीं किस साइड से आएगी, कितनी देर में आएगी, उसके बाद निकलेंगे फिर यहाँ पर। और भाई सॉरी, मैं जिस बंदे से मिलवाने की सोच रहा था आप लोगों को, उस बंदे से नहीं मिलवा पाया, ये गलती हो गई मेरे, मैं भूल गया। वहाँ से निकलने के बाद ध्यान आई ये बात मेरे को, एकदम दिमाग से निकल गया यार थोड़ा, मतलब दिमाग किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया था, नॉलेज लेने के चक्कर में घुस गया मैं, उस चक्कर में रह गया आज। बाकी अभी मैं बड़ौद पहुँच लिया, अब वापस आने लग रहा हूँ घर पर, यहाँ से 1 घंटा लग जाए। बारिश आ रही है, बारिश तो क्या आ रही है पूरा दिन, ना तो बारिश ही ना रुक रही ना चल रही, ऐसी गंदी बारिश तो ना आया तो ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं घर, पहुँच जाऊँ थोड़ी देर में।